शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहत प्रत्येक विद्यालय में बाउंड्री वॉल होना चाहिए, परंतु बड़े अफसोस की बात है बहराइच जिले के ब्लॉक कजवापुर के ग्राम किड़वा सिट्टीपुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पिछले 15 वर्ष से बाउंड्री वॉल न होने के कारण हरिचंद गौतम सहित 146 बच्चों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? हमारे स्कूल में फिलहाल तो 146 बच्चे हैं। 146 बच्चों पे कितने टीचर होना चाहिए? 4 टीचर और 1 प्रधान अध्यापक। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहत अपने स्कूल में बच्चों को क्या क्या सुविधाएं हैं? देखिए, उसके तहत सुविधाएं हैं कि उनको निःशुल्क ड्रेस दी जाती है, निःशुल्क पुस्तकें दी जाती हैं, मध्याह्न भोजन दिया जाता है, पका पकाए भोजन की व्यवस्था है, तो ये सारी मूलभूत सुविधाएँ हैं। आपके विद्यालय में बाउंड्री वॉल है? नहीं। तो बाउंड्री वॉल नहीं है, इससे क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? लोग आते जाते हैं, कुत्ते पीछे पीछे खड़े रहते हैं, जब से स्कूल बना तब से नहीं, बाउंड्री वॉल बन जाए। मैं पढ़ लिख कर एक शिक्षक बनना चाहता हूँ। आपके विद्यालय में बाउंड्री वॉल नहीं है, तो इससे क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? बाहरी लोग आ जाते हैं और कुत्ता खाना खाने लेते हैं, तो बाउंड्री वॉल हमारे यहाँ नहीं है और यही इसमें हमारे स्कूल में एकमात्र ये समस्या है, जिसकी वजह से दिक्कत ये आती है कि गांव के छोटे पशु हैं वो हमारे विद्यालय प्रांगण में आ जाते हैं, खाना खाते हुए बच्चों को जो है कुत्ते आ जाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, या फिर जो है हमारे हम लोगों के अनुपस्थित में जब विद्यालय बंद होता है तो गांव के कुछ लोग अपने मवेशी यहाँ बांध देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, गंदगी हो जाती है, ये सारी समस्याएँ हैं यहाँ पर। अगर बाउंड्री वॉल हमारे यहाँ हो जाए तो इन सारी समस्याओं का भी निराकरण हो जाएगा। विद्यालय सन 2000 में बना, जब से विद्यालय बना है तब से बाउंड्री वॉल नहीं है। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि आप लोग बेसिक शिक्षा अधिकारी के मोबाइल नंबर 72 75 75 61 79 पर कॉल करके दबाव बनाएं ताकि इनकी समस्याएं दूर हो सकें। मैं घनश्याम, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश, इंडिया अनहर्ड के लिए।